समिट एक छोटी समिट, बहुत छोटी समिट थी एक्चुअली। इस समिट को सक्सेसफुल बनाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा। पाकिस्तान ने इसको इतना 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 उछाल दिया कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट बन गया। वरना इवेंट्स G20 के हमारे पास 500 से ज्यादा इवेंट्स इस साल होने हैं इंडिया के पास। पूरे पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंचा है पिछले 2 साल में जितना इंडिया में। आप ये चीज आप सर कश्मीर में मुझे जितना बताएं, सिर्फ कश्मीर। इस सब में मोदी जी का कितना बड़ा हाथ है? प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक पॉपुलैरिटी है, एक इंडियन डायस्पोरा है बाहर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी इस हद तक है कि आप समझिए कि पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पैर पर छुए। किया था कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले करीब 10 साल में वो हम दिखा सकें। और वो अगर पाकिस्तान इसके खिलाफ इतना ह्यूमन क्राइम ना मचाता तो हम बता नहीं पाते। अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां खड़ा है, सारे लोग वहां खड़े। मुझे बता दे कि इस इंटरनेशनल मीडिया ने क्या क्या सिलीगुड़ी का इवेंट कवर किया था, क्या अरुणाचल का इवेंट कवर किया था? नहीं किया था। ऐसे ही इवेंट्स उड़ीसा में हो रहे हैं और तमिलनाडु में हो रहे हैं, कोई इवेंट्स ऐसे कवर नहीं हुए थे जैसा ये कवर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने इसको ऐसा इशू बना दिया। और उस इशू के बाद कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा है और हम उसे लेके रहेंगे। पाकिस्तान क्या मानता है क्या नहीं मानता मैं उसमें नहीं जा सकता, या इतना लोग पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को, और वो रिप्रेजेंट करते हैं 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर को, और वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे कंट्री को जो अगले महीने, या बोलिए कि अगले से अगले महीने, मीन्स कमी हुई है हिंदुस्तान में होने वाली कश्मीर के अंदर G20 के ऊपर, मगर इसमें एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जो कि प्रोपेगेंडा बना रहा था कि वहां पे OIC जो है इंक्लूड नहीं हो, किसी तरह पार्टिसिपेट नहीं करे G20 के अंदर। आप इंडिया में रहते हैं बड़े मेजर सिटी के अंदर, मुझे बताएं कैसा रहा? आज पहला दिन था G20 का, बल्कि दूसरा भी शुरू हो गया है, कैसा जा रहा है वहां? कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई और किस तरह सिक्योरिटी इश्यूज को किस तरह हैंडल किया जा रहा है? देखिए सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। G20 का ये ट्रैवल ये टूरिज्म पे समिट था, और टूरिज्म समिट एक छोटी समिट, बहुत छोटी समिट थी एक्चुअली। इस समिट को सक्सेसफुल बनाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा। पाकिस्तान ने इसको इतना 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 उछाल दिया कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट बन गया। वरना इवेंट्स G20 के हमारे पास 500 से ज्यादा इवेंट्स इस साल होने हैं इंडिया में, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या वो G20 हो। मींस आप ये सोचिए कि डेली एक या दो इवेंट्स हो रहे हैं, और आपको मिलेंगे होटल्स बुक्ड हैं, सारे सब कुछ, सारे एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान। सेक्रेटरी लेवल मीटिंग या मिनिस्टर लेवल मीटिंग या अंडर सेक्रेटरी लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग या प्राइम मिनिस्टर लेवल मीटिंग, ये मीटिंग्स अलग अलग हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी और G20 में भी, दोनों में। ये एक बहुत छोटा इवेंट था, इससे पहले भी इवेंट्स हुए थे। वो इवेंट्स जो कि ऐसी लोकेशंस पे होते जिनको लोग या जिनको कुछ कंट्रीज कंट्रोवर्शियल मान रहे थे। इससे पहले एक इवेंट हुआ था अरुणाचल में, उस अरुणाचल के इवेंट को चाइना ने बॉयकॉट किया था, चाइना उसमें नहीं आया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, इवेंट हुआ। इस बार भी सिलीगुड़ी में जो इवेंट हुआ उस पे भी नहीं आया। और मैं आपको 10 इवेंट बता सकता हूं जिसमें इंटरनेशनल लाइमलाइट नहीं आई, लेकिन ये एक इवेंट था जिसको पाकिस्तान ने इतना लाइमलाइट दी कि इंडिया का काम बहुत आसान हो गया। इंडिया ने ये इवेंट किया किस लिए था? ये इसलिए किया था कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले करीब 10 साल में वो हम दिखा सकें। और वो अगर पाकिस्तान इसके खिलाफ इतना ह्यूमन क्राइम ना मचाता तो हम बता नहीं पाते। अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां खड़ा है, सारे लोग वहां खड़े। मुझे बता दे कि इस इंटरनेशनल मीडिया ने क्या क्या सिलीगुड़ी का इवेंट कवर किया था, क्या अरुणाचल का इवेंट कवर किया था? नहीं किया था। ऐसे ही इवेंट्स उड़ीसा में हो रहे हैं और तमिलनाडु में हो रहे हैं, कोई इवेंट्स ऐसे कवर नहीं हुए थे जैसा ये कवर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने इसको ऐसा इशू बना दिया, और उस इशू के बाद पूरे वर्ल्ड के मीडिया ने इसको बड़े आराम से और अच्छी तरह से कवर किया। सबने वहां के ट्रेन दिखाई है, सबने वहां के फ्लाईओवर्स दिखाए हैं, सबने वहां की रोड्स दिखाई हैं, सबने वहां के इनफैक्ट डल लेक में
वो जो हमारे टूरिस्ट है वो दिखाए हैं, टूरिस्ट से बात हुई मुझे है। मुझे एक बात बताएं रोहित जी, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया की बड़ी फेवर करता है, फेवर इन द सेंस के बड़ी शहरत समझता है उसको कि कश्मीर के लिए जान दे देंगे, कश्मीर के लिए हम जंग लड़ेंगे, कश्मीर को आजादी दिलवाएंगे। तो अब जब कश्मीर इतनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा था, तो कश्मीर के ही खिलाफ क्यों खड़े हो गए? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गोल था ना कश्मीरियों के लिए। मैडम ये क्वेश्चन आपने शायद गलत जगह पूछ लिया, ये क्वेश्चन किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछना चाहिए था, क्योंकि मैं तो इसमें नहीं बता सकता कि कश्मीर पे क्या प्रॉब्लम थी पाकिस्तान को। हाँ ये जरूर है कि कश्मीर जो है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टैंड है कि पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो इंडियन पार्ट एंड हम उसको लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान इस साइड ऑफ कश्मीर को अगर अपना मानता है तो वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान एंटार्क्टिका को भी अपना और चांद को भी अपना मान सकता है, वी हैव नो प्रॉब्लम्स इन इट। जहां तक पार्टी पाकिस्तानी से पूछना चाहिए था, मैंने ये आज दूसरी दफा ये सवाल किया। मैंने कल एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से ऑलरेडी इसका जवाब ले लिया, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इंडियन क्या सोचते हैं, लेकिन मेरी नजर में तो इसका जवाब ये होना चाहिए। मैंने इसी वजह से वो सवाल दोबारा आपसे किया है कि इंडियंस को क्या लगता है पाकिस्तान क्यों टांग कर रहा है बार बार। देखिए सच ये है कि एक स्टेटेड पोजीशन, अगर आप हिस्ट्री में जाएं और इसमें बड़ी सारी डिस्कशंस हुए हैं, मैं उस डिस्कशन में जाना नहीं चाहता कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके हाथ में है और पाकिस्तान ने कितनी यूएन की करारदादे मांगी है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट की स्टेटेड पोजिशन है कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा है और हम उसे लेके रहेंगे। पाकिस्तान क्या मानता है क्या नहीं मानता मैं उसमें नहीं जा सकता। पाकिस्तान एंटार्क्टिका को अपना मानता है तो पाकिस्तान मानता रहे, अपने मैप में दिखा दे। पाकिस्तान ने जूनागढ़ भी अपने मैप में दिखाया था, क्या हो गया? ठीक है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं इस पर, ये कि कश्मीरी का फायदा किसने किया, इस पर आके बहुत क्लियर हो जाती है बात, बहुत वाजे हो जाती है कि डेवलपमेंट कश्मीर में, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में, अभी जितनी भी आप रिपोर्टिंग देख रही हैं वहां से, वहां की ट्रेन दिखाई जा रही है, वहां पे टूरिस्ट दिखाए जा रहे हैं, वहां पे इस समय मैं बताऊं 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है पाकिस्तानी साइड, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में 7 लाख करोड़ का, जब से ये 370 हटी। और इससे पहले तो आप जमीन खरीद ही नहीं सकते, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आता? आप जमीन खरीद सकते हो, अब वहां इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, अब वहां पावर प्लांट्स लगते हैं, लग सकते हैं। 7 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 500 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये दूसरा, कश्मीर में 5 लाख एडिशनल जॉब्स हम लोगों ने दी। अगर इस पूरे को आप देखें तो ये एक फिगर एक ऐसी है 7 लाख करोड़ की, जो के शायद पाकिस्तान के पास, पूरे पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंचा है पिछले 2 साल में जितना इंडिया में। आप ये चीज सर, आपको कश्मीर में, मुझे जितना पता है सिर्फ कश्मीर, इस सब में मोदी जी का कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि जो बाइडेन की अगर हम देखें तो बहुत एहसन तरीके के साथ उन्होंने जो है उनको सलाम पेश किया, बड़े कल्चरल तरीके के साथ। फिर एट द एंड ये भी कहा कि मुझे आपसे सिग्नेचर ले लेना चाहिए, मतलब फैन मूवमेंट रिप्रेजेंट हुआ। तो इन सारी छोटे छोटे मूवमेंट्स को देखते हुए क्या कहेंगे आप, पीएम मोदी का कितना रोल है इस सब में? देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक फिगर तो है, मतलब इन द सेंस के प्राइम मिनिस्टर मोदी को की पॉपुलैरिटी तो बहुत हाई है। चाहे जापान के जो इनके इनके जो फंक्शन था उसकी सारी टिकट्स बिक गई थी, और वो बोल रहे थे, बाइडेन बोल रहे थे मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक पॉपुलैरिटी है, एक इंडियन डायस्पोरा है बाहर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी इस हद तक है कि आप समझिए कि पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पैर पर छुए। ठीक है, पैर छू के उनको रेस्पेक्ट दी। ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कई बुजुर्ग लेडीज की पैर छुए हैं, वो फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, कोई नई चीज नहीं है। तो ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीजी ने दिया है, पापुआ न्यू गिनी ने दिया है, इससे पहले यूएई दे चुका है, इससे पहले सऊदी अरेबिया दे चुका है, फ्रांस दे चुका है। अगर अगर मतलब इतनी पॉपुलैरिटी है और इतना प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो है, ऑरा है, या इतना लोग पसंद करते हैं, ऑफ कोर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को,
और वो रिप्रेजेंट करते हैं फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर को, और वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे कंट्री को जो अगले महीने, या बोलिए कि अगले से अगले महीने मींस डेढ़ महीने बाद के आसपास तीसरा चंद्रयान भेजने वाला है, चांद पर एक प्रोजेक्ट भेजने वाला है अपना मून मिशन मून अपना पॉइंट थ्री, जो कि ल्यूनर लैंडर के साथ जाएगा और लैंडिंग करेगा, और लैंडिंग करने के बाद वो वहां पर घूम करके बताएगा क्या। ठीक है, इंडिया कुछ कंट्रीज में से है जो कि लूनर मिशन लेके गए थे इससे पहले। एक हमारा पिछला मिशन जो था वो चांद की सरफेस से मून की सरफेस पे ही क्रैश हो गया था, ये तीसरा जा रहा है। उसकी उसकी डेट अभी आ गई थी, मैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 12-15 जुलाई के आसपास कुछ डेट है। अब बात करते हैं आगे की, 12-15 जून के आसपास डेट है। अब बात करते हैं आगे की, अगर हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये भी जरूरी है देखना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कितनी बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर, और हमारे हमारे इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है। जापान हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, क्वाड में, पापुआ न्यू गिनी हमारे साथ इंडिया एंड पैसिफिक के वो जो फोरम है उसमें है, और उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और उनके मिनरल रिसोर्सेज और उनके दूसरे रिसोर्सेज हम लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। एक्सप्लॉइट इन द सेंस हम उनको उनकी माइनिंग वगैरह करके हम उनको यूज करना चाहते हैं, यूज करना मतलब उनको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में हमारी कंपनीज ने माइंस खरीदी हुई हैं, हम वहां पर अच्छा काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया फोरम पे भी प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे। ये तीन कंट्रीज के लेग पर हम काम कर रहे हैं इस समय, और प्राइम मिनिस्टर इस समय ऑस्ट्रेलिया में ही है, और जैसे वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे तो हमें और ब्रीफिंग मिलेगी कि पूरा क्या हुआ है। सर ये तो थी प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के और हिंदुस्तान के करंट सिनेरियोस। मुझे बताएं अपकमिंग डेज में ये G20 पाया तकमील तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग? एक तो पहली चीज मैं चंद्रयान 3 की डेट बताऊं तो 12 जुलाई के आसपास चंद्रयान 3 की डेट आई है। अब दूसरी चीज ये कि आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन, पाकिस्तान जो है वो इस समय तो अपन ही बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, तो हम पाकिस्तान से क्या उम्मीद करें। और पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम और भी है, पाकिस्तान अभी इमरान खान को डील कर रहे हैं और उसके बाद वो बहुत सारे अपने अपने ही पंगों को डील करेंगे, इकोनॉमी को भी डील कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम्स डील करता रहे भाई। हम वी आर वर्किंग ऑन आवर प्रॉब्लम्स, वी आर वर्किंग ऑन ग्लोबल फोरम, हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, हम ग्लोबल साउथ के साथ काम करना चाहते हैं, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी हो या वो पनामा हो, जहां पे पहली बार कोई फॉरेन मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले पहुंचा था इंडिया का। पापुआ न्यू गिनी को भी ऑस्ट्रेलिया से इंडिपेंडेंस 1975 में मिली थी, और उसके बाद से पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का आप पहुंचा। तो ये एक देखने वाली बात है कि हम जब बोलते हैं कि हम ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे तो हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, वी गो देयर एंड वी हैव अ रीच फॉर द ग्लोबल साउथ। हम लोग न्यूक्लियर आर्सेनल में भी हैं कैपेबल, और हम लोग उसके साथ साथ ग्लोबल साउथ को लीड करने की बात करते हैं, तो एक एक हमारी जो दावेदारी है फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप, ये भी स्ट्रॉन्ग होती है। साथ में इंडिया बिकम्स अ पोल इन दिस बायपोलर वर्ल्ड, इंडिया इज द थर्ड पोल, अमेरिका चाइना वर द पोल्स टिल नाउ, हम तीसरी पोल के तौर पे उभर रहे हैं, बन रहे हैं तीसरा पोल, और तीसरा पोल अगर हम बन रहे हैं तो इट्स गुड फॉर द वर्ल्ड, इट्स गुड फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए भी अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। पाकिस्तान इसको कैसे लेता है अब ये पाकिस्तान बेहतर बता पाएगा, पाकिस्तान इसको अच्छा तो नहीं लेता होगा, मुझे मुझे यकीन है, इसमें कोई शक नहीं। सर मुझे एक बात बताएं, आज हम कश्मीरियों के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान बेशक कुछ किया नहीं है मगर बहुत जज्बा दिखाया, बहुत प्यार दिखाया हमेशा कश्मीरियों के लिए। कश्मीरी अगर हम 8 साल पहले जाएं तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे, और आज 8 साल के बाद वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हैं, क्या वजह है? इन 8 सालों में ऐसा क्या गैप आया? क्या सिर्फ एक डेवलपमेंट उनको इतना ज्यादा इंप्रेस कर गई है, या कोई और रीजन है, या इंडियन गवर्नमेंट ने उनके अंदर हेट पैदा किया पाकिस्तान के लिए, जो वो एक जनरेशन के साथ उनके थॉट्स चेंज हो गई हैं? देखिए ये जो
हम लोगों ने 1990 में जो मैसेकर देखा और एग्जोडस देखा कश्मीरीज का, जो कि कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी में दिखाया गया है, ये एग्जोडस ऐसे ही नहीं हुआ था। इस एग्जोडस के लिए कई साल से एक नारा दिया जा रहा था और कई साल से उसकी उसकी उसके लिए काम किया जा रहा था वैली में। वो कई सारे एजेंट्स कर रहे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम कश्मीरीज को भी ये समझ में आया कि ये 30 साल 1980 से, mid 80s से, और हमारा 2020s तक का जो टाइम है 30-35 साल, ये हमारे वेस्ट हुए और इसमें हम कहीं डेवलप नहीं कर पाए। और एक कंट्री या पाकिस्तान इसका इस्लाम के नाम पे भड़का के वॉयलेंस करा के और वो फायदा ले रहा था, उसको वहां फंडिंग मिल रही थी दूसरे कंट्रीज से, उसने यहाँ पे एक ऐसा माहौल बना दिया, एक दहशत का माहौल बना दिया, वहां से हथियार भेजे जिससे कि यहाँ पर लड़कों को, यूथ को जॉब मिलनी मुश्किल हो गई, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी फ्लॉप हो गई, यहाँ पे कश्मीर में जो फिल्में बनती थी वो फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई। कश्मीर में आज की डेट में एक सिनेमा हॉल शायद सिर्फ एक पूरे कश्मीर, ठीक है। एजुकेशन में कश्मीरी यूथ बहुत पीछे रह गया, उसने हथियार उठाए और उसके बाद कश्मीरी यूथ मारा गया एनकाउंटर्स में, या उन्होंने कहीं पे जो भी किया, यूथ तो मरा ही, साथ में उनकी एजुकेशन खराब हुई। वही बुरहान वानी जो के जिसके नाम पे ट्रेन चलाई गई पाकिस्तान में, वो यंग लड़का अगर वो कहीं पढ़ लिख के इंजीनियर बना होता, डॉक्टर बना होता, तो वो अपने कश्मीरियों की ही सेवा कर रहा होता, कश्मीरियों के लिए ही काम कर रहा होता। और इस बात को मानते हुए कश्मीर के ये बुरहान वानी के फादर ने इंडियन फ्लैग फॉस्ट किया, और इस बार पिछली बार और उससे पिछली बार भी 15 अगस्त पे, और ये बोला भी कि यूथ को एजुकेशन की ओर जाना चाहिए, ठीक है। ये भी एक कहानी है, सोचने वाली बात है कि जो यूथ हमारा भटक गया था, गलत रास्ते पे गया था, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स ने वो टेरर का रास्ता छोड़ के और वापस मेन स्ट्रीम में आए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट की, ये भी हुआ है। तो पिछले यूथ 30 साल में